हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यम यम किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पराठा का रेसिपी, जो कि आप लोग वेरी इजीली मेक कर सकते हो। चलिए देख लेती हूँ कौन कौन सी चीज़ चाहिए। 2 कप्स ऑफ फ्लावर यानी मैदा, 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, नमक आपको जितना ज़रूरत है उतना, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा का पाउडर, 1 कप जितना ऑयल, ऑनियन चॉप्ड किया हुआ 1 कप। मैं अब सब पाउडर मसाला को एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं इन सब को एक साथ मिला लूँगी। मुझे इसके अंदर ऑयल चाहिए, बट मैं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा गर्म करके फिर इसमें डालूँगी। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल 2-3 मिनट के लिए गर्म कर लेती हूँ। मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका। अब मैं इसको बाउल में शिफ्ट करके मसाले के साथ मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको एक अच्छी डो बना लूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, चाहिए थोड़ा सा ऑयल, अब मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका। अब मैं इसके अंदर डालूंगी वाटर। मैंने इधर 1 कप वाटर ले लिया, पर इसको एक बार में नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। जितना ज़रूरत है उतना ही इसमें जाएगी। मेरी डो बनकर तैयार है। अब मैं इसको 3 पीसेस में डिवाइडेड कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढककर 20-30 मिनट्स रेस्ट में रख दूंगी। अब 20 मिनट्स हो चुका। अब मैं इस डो को बड़ी सी रोटी बना लूँगी। इसके अंदर से मैं एक डो ले लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ हाथों से कैसे इसको बड़ी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं जितना हो सकता है उतना मैं लंबी कर लूँगी। अब मेरी रोटी बनके तैयार है। मैं ऐसे पतली कर लिया, आप लोग देख सकते हैं ये कितना पतली हो गई है। अभी मैं इसके अंदर मेरी जो मिक्स किया हुआ मसाला था, ऑयल से मिक्स किया हुआ, वो मैं इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून डाल दूँगी। फिर मैं इसको अच्छे से हाथों से
मिला लूँगी। अब मैं इसके अंदर मेरी कटी हुई जो प्याज है वो डाल दूँगी। फिर इसका मैंने फोल्ड कर लूँगी, छोटी छोटी करके फोल्ड करती हूँ। फिर इसको मैंने राउंड घुमा के और एक बार फोल्ड करके फिर दोनों हाथों से मैं इसको अच्छी से बड़ी कर लूँगी, जितना हो सके उतना बड़ी करूँगी। ज़्यादा तो बड़ी नहीं हो सकती, पर जितना हो सके मैं उतना इसको बड़ी कर लूँगी। मैं दोनों हाथ को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक हाथ से ये नहीं बन सकता। तो अब मेरी पराठा इतना ही बड़ी होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकता। तो अब मैं इसको साइड में रख के और दो पराठा बना के फिर वापस आती हूँ कैसे इसको फ्राई करना है। मेरी पराठा बनके तैयार है, देख लीजिए कितना अच्छी से पराठा बन चुका। अब मैं इसको चलती हूँ फ्राई करने के लिए। मेरी फ्राई पैन अच्छे से गर्म होने के बाद मैं ये पराठा इसमें एक एक करके दे दूँगी। पैन में पराठा डालने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऑयल ब्रश करूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही। फिर एक साइड हो जाने के बाद मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। मुझे इसको गोल्डन ब्राउन बनाना है। ये आउटसाइड से जितना क्रंची होगी अंदर से उतना ही सॉफ्ट होगी। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इंडियन नहीं हूँ पर मेरी इंडिया में बहुत सारी फ्रेंड है जो कि US में रहती है। तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ हिंदी बोलने के लिए। अगर मुझे मेरी मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मेरी चैनल को, मेरी पेज को लाइक शेयर ज़रूर करना। अब मेरी पराठा दोनों साइड से थोड़ा सा गोल्डन हो चुका, मैं और थोड़ी सी इसको कुक करूँगी फिर इसको उठा लूँगी। नाउ माय पराठा ऑलमोस्ट बनके तैयार है, थोड़ी सी और इसको कुक करके फिर मैं इसको उठा लूँगी। अब मेरी पराठा हो चुका, अब मैं इसको उठा के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी पराठा बनके तैयार है, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी बाहर से और अंदर से दिखने में कैसी है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ मेरी पेज को लाइक शेयर ज़रूर करना। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को मेरी ये वीडियोस, हर एक वीडियोस को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।